आने वालों के 80% लोगों के बाल आ चुके हैं। ठीक है हाँ, बाकी देने वाला प्रवाला शिफा। ठीक है भाई, हमारा काम है दवाई लगाने का, लोग आ रहे फायदे मिल रहे, अभी तो दोबारा आ रहे दिन दूर से, वरना कौन आएगा इतनी पब्लिक। तो गाइस यहाँ पर भाई बता रहे हैं, यहाँ पर भाई दवाई लगवा के आए हैं। नहीं हल्की हल्की हुआ है भाई, हल्की हल्की होती है, तो यो 15 दिन बाद फिर आना दोबारा। ठीक है भाई शुक्रिया। तो गाइस सलमान भाई के पास हम पहुँचने वाले हैं, ये पतला सा रोड आपको जा रहा है, इधर की साइड में एक गेट है, ठीक है ना, और यहाँ पर हम आ चुके हैं सलमान भाई के पास में। तो गाइस भीड़ आप चेक कर सकते हो, भीड़ काफी ज्यादा यहाँ पर हो रखी है। गाइस ये देखो भीड़ का आप देख सकते हो, आप भीड़ कितनी ज्यादा यहाँ पर हो रखी है, और यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं। तो गाइस हमारे जुबेर भाई यहाँ पर बाइक को लगा देंगे यहीं पर साइड में। तो जुबेर भाई क्या फील हो रहा है आपको यहाँ पर आने के बाद में? फील तो देखो अच्छा हो रहा है, भीड़ भी काफी ज्यादा हो रही है और धूप भी ज्यादा हो रही है, और यहाँ पर सलमान भाई से मिलते हैं। सलमान भाई की बहुत अब तक हमने वीडियो में देखा था, लेकिन सलमान भाई को हूबहू देखेंगे, रूबरू जो दिखते हैं, चलते आगे देखो काफी भीड़ है। तो गाइस यहाँ पर भीड़ आप देख सकते हो कितनी ज्यादा यहाँ पर भीड़ हो रखी है, और यहाँ पर सभी भाई यहाँ पर अपनी दवाई लगवाने के लिए आ रहे हैं। गाइस ये देख लो गाइस भीड़ बहुत काफी ज्यादा यहाँ पर हो रखी है। तो गाइस यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो लड़के खड़े हुए हैं ये गंजा करने के लिए खड़े हुए हैं, जिनको जरूरत होती है यहाँ पर गंजे होने की, वो यहाँ से गंजे भी हो सकते हैं आसानी से। यहाँ पर ये महिलाएं बैठी हुई हैं, ये भी यहाँ पर दवाई लगाती रहती हैं, तो जिनको इनसे भी लगवानी है यहाँ पर भी लगवा सकते हैं। ये दवाई लगनी स्टार्ट हो रखी है यहाँ पर। इधर की साइड में भी दवाई लग रही है, काफ़ी लोगों की भीड़ यहाँ पे लगी हुई है, सारे के सारे गंजे ही हैं यहाँ पर। और यहाँ पर ये जो भाई लगा रहे हैं दवाई, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ जूम करके, तो ये हमारे सद्दाम भाई हैं, ये भी यहाँ पर दवाई लगाते हैं। सलमान भाई अभी किसी काम से गए हुए हैं। आप रश देख सकते हो यहाँ पर, भीड़ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हो रखी है, ये देख लो भाई यहाँ पर दवाई का प्रोसेस चल रहा है, और यहाँ पर सलमान भाई। तो यहाँ पर सद्दाम भाई जो दवाई लगा रहे हैं, इसको मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ कि कितनी अच्छी तरह से एक एक बंदे पे दवाई लगा रहे हैं ये। और ये तो अभी हम लेट पहुंचे थे, लेकिन यहाँ पर 12-13 हज़ार आदमी यहाँ पर दवाई लगा के चले गए थे, लगवा के चले गए थे। और यहाँ पर साथ के साथ में जो सलमान भाई हैं, हमें पता चला है अभी कि सलमान भाई जो हैं वो दूसरी साइड में दवाई लगा रहे हैं, वो लेडीज़ में फीमेल जो होती हैं जिनके एलोफेशिया वगैरह हो रहा है, तो उसके लिए दवाई लगाने के लिए वो गए हुए हैं। तो खासकर लोग यहाँ पर वो आ रहे हैं जिनको एलोफेशिया हो चुकी है, ठीक है। तो एलोफेशिया में क्या होता है कि जगह जगह के नाम बाल उड़ने लगते हैं, तो उसमें कीड़ा वगैरह लग जाता है, तो उसकी दवाई होती है। तो बहुत अच्छी तरह से हमारे सद्दाम भाई इस दवाई को लगा रहे हैं, देख सकते हैं आप भी। लेकिन इस दवाई का यह है कि जब भी आप लगवाओ तो अपने माथे पर हाथ लगवाना है आपको, लगा रखना है, ताकि यहाँ पर दवाई आँखों में ना जाए, ठीक है, इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है आपको भी। और यहाँ पर दवाई का कोई भी चार्जेस नहीं होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर दवाई लगती है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा जूम करके भी दिखाऊंगा आपको मैं, ताकि कितनी अच्छी तरह से ये दवाई लगा रहे हैं भाई। और ये देखो ये दूसरे भाई का यहाँ पर बाल नहीं है चांद पे, धीरे धीरे से इनके हल्के हाथ से लगाए रहे हैं और कंटिन्यू दवाई लग रही है। और लेकिन दवाई को लगाने के बाद में आपको वॉश करना पड़ता है 5 से 10 मिनट या 15 मिनट के बीच में। लेकिन जब भी आपको वॉश करना है सर को, आँखों के अंदर पानी नहीं जाना चाहिए, ये चीज़ वो बोल देते हैं, जो कि धुलने का जो पानी होता है वो अंदर नहीं जाना चाहिए। और काफ़ी यहाँ पर लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। कब आने बाबा? 15 दिन बाद। 15 दिन बाद पहली बार आयो? पहली बार आयो। अगले हफ्ता आ जाइयो। हाँ 15 दिन बाद पहली बार आया। यहाँ पर देख सकते हैं हमारे जुबेर भाई की चांद, इसको धोने के बाद ही लगाना है। अब देखते हैं कब तक बाल आते हैं हमारे जुबेर भाई के। क्या उम्मीद लगती है कब तक आ जाएंगे बाल? कब तक आ जाएंगे बाल? बाल कम से कम भैया 20 से 25 दिन लग जाएंगे, तो रूम आ जाएगा 20 से 25 दिन आने में। हाँ हाँ। और ये जो गंजे हो रहे हैं जो, वो उनका क्या वो है? नहीं लगा रहा हूँ मैं। अच्छा, और जिनों के बाल हैं वो कैसे लगवाएंगे फिर? गंजे होना पड़ेगा उसके लिए, मतलब गंजे होना पड़ेगा कि गंजे भी होना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पर चाचा भी काफी अच्छी तरीके से दवाई लगा रहे हैं, पूरी जड़ों तक यहाँ पर दवाई लगा रहे हैं चाचा भी। और गाइस मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर ये जो डब्बा है ना इनों का, इनों ये अपने हाथों से पीस के अपने हाथों से जब आपके यहाँ पर।
आए तो यहीं से हैं, मुझे अभी लगाने हैं, तीसरी चौथी बार आ रहा हूँ, ये रह रहे हैं बस। आए तो सब यहीं से हैं मेरे बाल, नहीं मैं चौथी बार आ रहा हूँ। देखो बारिश का सीजन बढ़िया का, देख लो अपने खुद बता रहा है, ये बताएंगे बता रहा खुद ही। तो गाइस ये भाई ने अपनी खुद बताया है कि मेरी इस दवाई से बाल आ चुके हैं, आप देख सकते हो कितने सारे बाल आ चुके हैं, कितनी ग्रोथ हो चुकी है बालों की। बस अब इनों की भाई की यहाँ पर ये थोड़ी सी साइडें रह गई हैं, तो इसलिए साइडों में दवाई लगवाने के लिए अब आए। तो यहाँ पर मेरा नंबर आने ही वाला था, तो मैंने जब मेरी दवाई लगने वाली थी तो मुझे थोड़ा सा नर्वस तो फील हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने चलो ऊपर वाले का नाम लेकर दवाई लगवा ली, क्योंकि इसका फीडबैक मैंने काफ़ी लोगों से पूछा भी था यहाँ पर, कि बोल रहे थे कि मैं दूसरी बार आया हूँ, तीसरी बार आया हूँ, मेरी ग्रोथिंग आने लगी, तो इस वजह से मैंने भी लगवा लिया। और मैंने अपने चेहरे पर हाथ लगा रखा था इसलिए कि आँख वगैरह में दवाई ना आ जाए। तो चाचा कहने लगे हर्षित से कि वीडियो बना लेना अच्छे से, ताकि वो भी चाहते भी हमारे वायरल तो चल रहे हैं आजकल, तो वो वायरल हो जाएँ और ज़्यादा। तो बहुत अच्छी तरह से दवाई लगाती है, मुझे पता ही नहीं चला कि दवाई चाचा ने लगा दी। और वो बता रहे थे कि उनका एक फ़ोन रखा हुआ था यहाँ पर, तो कीपैड का फ़ोन था छोटा सा, तो वो खो गया था, मतलब चोरी हो गया था यहाँ से, जो आने वाला था या बाई मिस्टेक कोई गलती से ले गया। तो चाचा उसी के बारे में बता रहे थे यहाँ पर, उनका कीपैड का फ़ोन था जो कि चोरी हो गया है यहाँ से। तो यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट दवाई लगाते हैं, किसी प्रकार का यहाँ पर चार्जेस वगैरह कुछ नहीं होता। तो चाचा इसी चीज़ को बता रहे हैं यहाँ पर, कि यहाँ पर जो भी अगर आ रहे हैं तो हम किसी भी से पैसे के लिए नहीं बोलते, जो चाहेगा तो अपने मन से दे सकता है, अपनी खुशी से दे सकता है। जिसके बाल आ गए हैं, जिसके फ़ायदा दिख गया है, वो अपनी खुशी से देकर जा सकता है, लेकिन हम किसी से यहाँ पर पैसे वगैरह नहीं लेते हैं। तो वही चीज़ इन चाचा ने हमें बताई है। और यहाँ पर काफ़ी लोगों की भीड़ है यहाँ पर, और बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि जिनको एलोफेशिया हो गई है, और जिनके हल्के हल्के भी हेयर फॉल हो रहे हैं, वो भी लोग यहाँ पर आके दवाई लगवा रहे हैं। तो चाचा बहुत अच्छी तरह से दवाई लगा रहे हैं यहाँ पर, मतलब जो इनका पकड़ने का स्टाइल है ना, ब्रश पकड़ने का स्टाइल है, वो भी देख रहे हैं आप, बिल्कुल अंदर तक दवाई जड़ों तक जाएगी, इस तरह से लगा रहे हैं। दवाई लगने के 15 मिनट के बाद में, 20 मिनट के बाद में इसको वॉश करने के लिए चाचा बोलते हैं यहाँ पर, कि इसको वॉश करनी पड़ती है यहाँ पर, 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर वॉश करनी पड़ती है। मिलकर सभी भाई काम कर रहे हैं यहाँ पर, सब अच्छा भले का काम कर रहे हैं यहाँ पर, सभी भाइयों के यहाँ पर बाल आ जाएंगे, तो हम तो यही चाहते हैं सभी भाइयों के बाल आ जाएं यहाँ पर। देखते हैं अब सलमान भाई तो यहाँ पर नहीं है गाइस, तो भाई चलते हैं। जो अपनी खुशी से देना चाहता है तो वो यहाँ पर इनको दे सकता है अपनी खुशी से, लेकिन ये किसी से एक रुपया भी नहीं मांगते हैं, ठीक है, तो अपनी खुशी से दे सकते हैं। इनका अभी बताया अभी भी इन्होंने, तो अभी चाचा बता रहे हैं अपने मुंह से कि इनका यहाँ पर फ़ोन रखा था, एक छोटा सा कीपैड का फ़ोन था, तो आने वाले मतलब बहुत से पता कौन है वो इंसान, वो फ़ोन भी ले गया था इनका चाचा का। तो गाइस यहाँ पर कोई भी चार्जेस नहीं लगता, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर दवाई लगती है, अगर आपको अपनी मर्जी से यहाँ पर देना है तो आप यहाँ पर दे वो भी जब काम हो जाए पूरा बाल आ जाएगा, जब बाल सिर पा जाए अपनी मर्जी से दे सकते हैं, 10-5 रुपए होगी ज्यादा नहीं, 10-5 रुपए जो हमारी भी दवा पानी का खर्चा चल रहा है, क्योंकि हम भी बैठे बैठे गैस बन जाती है, हो सकती है दवाई दारू के लिए, लगे तुम्हारा भाई साहब। तो गाइज हमारे भाई कुछ बोलना चाहते हैं, तो भाई क्या बोलना चाहते हो आप बताइए। मैं आया था सलमान भाई से दवाई लगवाने पर, सलमान भाई यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो बाकी के लोग बाग दवाई लगवा ही रहे हैं, आप भीड़ देख ही सकते हो कितनी भीड़ हो रही है। सुबह 8 बजे का मैं आया हुआ हूँ दवाई के चक्कर में, फर्स्ट टाइम विजिट किया मैंने यहाँ पर, मतलब 8 बजे से आपको ये टाइम आ गया। रीज़न ये है कि सलमान भाई से अब आप दवाई लगवानी थी, इस वजह से दवाई अभी तक नहीं लगवा पा। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ, ये भाई देख रहे हैं सलमान भाई की वीडियो, भाई एक बार दिखाओगे गाइस, ये रही ये ये हमारे सलमान भाई हैं, ये हैं सलमान भाई, ठीक है। तो गाइस मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ, ये सलमान भाई की रियल आईडी है, आप यहाँ पर आप इनों की वीडियो भी देख सकते हो, यहाँ पर आपको पता चल जाएगी कि काफ़ी सारे यहाँ पर सलमान भाई ने कॉन्टेंट डाल रखे हैं इस पर, आप देख लो काफ़ी जनों के यहाँ पर बाल भी आ चुके हैं। आपको अगर यहाँ पर आईडी उनों की देखनी है तो आप यहाँ पर देख सकते हो गाइस, इसके भाई हैं, इन्होंने पहले भी दवाई लगवाई थी, जब दवाई लगवाने से पहले का फेस ये इन्हों का जो सर है ये ऐसा है, और अब आप देख सकते हो 15 दिन बाद का, और भाई दिखाएंगे ये 2 महीने बाद का गाइस, तीसरी बार लगी, ये तीसरी बार भाई ने यहाँ पर दवाई लगवाई है, और अब देखते हैं अब हमारे जुबेर भाई का बाल कब तक आते हैं गाइस। जुबेर भाई ने अभी दवाई लगवा ली है। तो गाइस फाइनली मैंने भी, देखो मेरे सर देख रहे हो आप, यही मैंने पूरी में दवाई चाचा ने लगा दी इन्होंने, यहाँ पर देख सकते हैं आप, और
हर्षित भाई वहाँ पे नहीं थे इस टाइम पर, तो मैं भी सोच रहा था भाई यहाँ पर जितने भी भाई हैं यहाँ पर सारी दवाई लगवा के बैठे हैं, तो उन्होंने बोला है कि यहाँ पर 10 मिनट के बाद में आपको धोना पड़ेगा और 10 मिनट के बाद में धोना पड़ेगा, और लेकिन एक चीज़ और है कि जब भी आप वॉश करेंगे तो वॉश का मतलब उसका जो पानी है ना वो आँखों के अंदर ना आए, वरना जलन हो जाएगी, होगा तो कुछ नहीं लेकिन जलन वगैरह होती है इस वजह से। तो आप काफ़ी हमारे पीछे देख सकते हो काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और मैं आपको दिखाना भी चाहता हूँ कि साथ के साथ में कि यहाँ पर किसी भी तरह का 1 रुपया भी चार्जेस नहीं लेते हैं, यहाँ पर 1 रुपया भी नहीं लेते, बस यहाँ पर जो अपनी मर्जी से इंसान देना चाहता है वो यहाँ पर दे सकता है, और जिनको यहाँ पर हेयर मतलब हेयर कट करवाना है वो यहाँ पर कर सकता है हेयर कट देखिए साइड से। तो मैंने यहाँ पर दवाई लगवा ली है सर, अभी मैं ऐसे कैसे रख रखा है मैंने कुछ नहीं कराया। गाइस हमारे जुबेर भाई पहली बार आए हैं, हल्की सी ऐसे लग रहा है जैसे चींटियां काटती है ना, हल्का सा ऐसा लग रहा है, फील हो रहा है क्या पता धूप की वजह से लग रहा हो, तो ठहर आगे काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद है फिलहाल में, और यहाँ पर किसी भी तरह का चार्जेस वगैरह चार्जेस नहीं लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर सलमान भाई तो अभी नहीं है, सलमान भाई किसी काम से गए हुए हैं बाहर वो, लेकिन बहुत से लोग यहाँ पर क्या कहते हैं कि वो पैसे लेते हैं, वो पैसे वगैरह कुछ नहीं लेते चाचा, बस यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आपको देखो दवाई लगाने का तो उनका काम है, लेकिन फल देने का तो ऊपर वाले का हाथ में, लेकिन फिर भी यहाँ पर काफ़ी लोग ऐसे भी आए हैं कि इन लोगों ने काफ़ी बार 2 या 3 दफ़े यहाँ पर आ चुके हैं वो लोग, तो फिलहाल मैंने फर्स्ट टाइम लगवाई, मैं भी सोच रहा था कि मेरे ही वाले आ जाएँ, तो मैंने सोचा मैं लगवा के देख लेता हूँ, तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि गंजा ही होना ज़रूरी है, बहुत से हो जाते हैं गंजे, लेकिन मैंने तो ऐसे बोला उनसे तो उन्होंने मेरे ऐसे लगाई दवाई, तो उन्होंने 7 दिन के बाद में आने के लिए बोला है, तो यहाँ पर काफ़ी लोग यहाँ पर लाइन लग रही है, बहुत लंबी लाइन लग रही है, लेकिन मैं तो वहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं वहाँ पर तो बस ऐसे ही बैठ गया था वहाँ पर बात करते करते, फिर मैंने सोचा चलो मैं लगवा लेता हूँ, फिर मैंने हैंड लगवा ली, मेरी बहुत जल्दी दवाई लगी, लेकिन उसके बाद मैं आपको बता दूँ भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दो, और यहाँ को एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि जिन लोगों तक जो बीमार हैं मतलब परेशान है गंजे बंदे, तो उनके यहाँ पर क्या पता बाल आ जाए, कहते हैं ना वो ना लगे लाख की तो लग जाए खाक की, तो वही वाली कहावत है, देखते हैं यहाँ पर बाल आते हैं नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी एक बार अगर कोशिश मिला करके देखें तो फिर उसका क्या फ़ायदा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अब यहाँ तक चलते क्योंकि हमारी दवाई लग चुकी है, और दवाई लगने का प्रोसेस ये है कि पहले दवाई को लगाते हैं पूरे बालों में, आप देख सकते हैं पूरे बालों में उन्होंने दवाई लगाई है, लगाने के बाद में बोलते कि 10 मिनट के बाद में इसको वॉश करना होगा, वॉश करने के बाद में आपको हर 1 घंटे के अंदर मतलब जो गोले का ऑयल होता है वो उसको लगाना पड़ता है उसको, और साथ के साथ में एक चीज़ और मैं कंफर्म करना चाहूँगा आपको कि हर 1 घंटे के अंदर इसके अंदर आपको ऑयल लगाना पड़ता है, गोले का तेल जो लगाने के लिए बोलते हैं वो कहते हैं, बोला कि गोले का तेल हर 1 घंटे में लगाना है, और 7 दिन के बाद में दोबारा से यहाँ पर आना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप बने रहना, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, रेसिपी में प्यारी प्यारी वीडियो लिखाते रहता हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते, तो गाइस जल्दी से फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लो, हम ऐसे ही वीडियो यहाँ पर गिव अवे के भी करते रहते हैं, और यहाँ पर आज हम आए थे सलमान भाई के पास में, सलमान भाई तो यहाँ पर नहीं थे, तो गाइस अब चलते हैं अपने घर की साइड में, तो चलें जुबेर भाई, तो गाइस चलते हैं, लेते हैं अपनी बाइक और पहुँचते हैं घर, ठीक है गाइस, आपको आना हो तो आप यहाँ पर आ सकते हो बिल्कुल फ्री में, आपकी यहाँ पर दवाई लग जाएगी, तो जुबेर भाई को, जुबेर भाई कैसा फील कर रहे हो आप? मतलब पहले एक लड़का बोल रहा था मुझसे कि यहाँ पर जैसे मतलब लगती है दवाई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं लगती वगैरह नहीं है, ऐसा लगता है हल्की हल्की चीटियाँ काटी, क्या पता वो सन का जो इफेक्ट है इस वजह से, गाइस यहाँ पर सन का इफेक्ट ही पड़ रहा होगा इस वजह से थोड़ा सा जलन हो रही है लग रही है वो, लेकिन यहाँ पर दूर दूर से आते हैं, मुंबई से और चेन्नई से, मतलब काफ़ी दूर दूर से यहाँ पर सभी भाई आते हैं यहाँ पर दवाई लगवाने के लिए, तो भाई अगर आपको भी अगर आना है तो आप भी यहाँ पर आ सकते हो और दवाई लगवा सकते हो, मैं मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते, दोबारा से आएंगे यहाँ पर सलमान भाई के पास में, जी भाई है? हाँ जी, दवाई लगा लो ततैया, दवाई का नाम है ततैया, अच्छा लगते ही सुलझा देती है, अच्छा, अच्छा भाई जड़ों को मोटा कर देती है एकदम, ठीक है, ठीक है जी भाई, बाल गंजो पन वालों के भी आ रहे हैं, एलोपेशिया वालों के भी आ रहे हैं, एलोपेशिया वालों के भी आ रहे हैं, हाँ सबके आ रहे हैं, अच्छा भाई, और भाई साहब ये 3 दिन 3 बार दवाई लगती है,